मैं आपकी हिंदी टीचर। आज मैं आपको आपकी हिंदी पुस्तक ज्ञान वाटिका के पाठ 4 राष्ट्र निर्माण, जो कि ये कविता है, इसे पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, पहले आप ये बताइए कि हमारे देश का नाम क्या है। हमारे देश का नाम, जिस देश में हमने जन्म लिया है, जहाँ का अन्न जल खाकर हम बड़े हुए हैं, उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम भारत है। है ना बच्चों? प्रस्तुत कविता में भारत देश की महानता और उसकी अनेक विशेषताओं के बारे में बताया गया है। इस कविता में कवि ने देश के लोगों से राष्ट्र का निर्माण करने और भारत माँ का जयगान करने को कह रहा है, है ना। इस वैसे तो हमारे भारत देश में बहुत सारी विशेषताएं हैं, है ना। तो प्रस्तुत कविता में भारत देश की कुछ विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो आइए हम इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, उठो राष्ट्र निर्माण करें, हम जननी का जय गान करें। मैं इस लाइन को दोबारा पढ़ती हूँ। उठो राष्ट्र निर्माण करें, हम जननी का जय गान करें। इस पंक्ति में कवि देश के लोगों को उठने को कह रहा है कि उठो, हम सब मिलकर राष्ट्र का निर्माण करें, मतलब अपने देश को मिलकर और अच्छा बनाएं। और जननी, यहाँ पे जननी का मतलब क्या होता है? माँ, है ना। और यहाँ पे जननी किसे कहा गया है? भारत माता को, है ना। तो इसमें क्या है कि अपन भारत माँ का जयगान करें, मतलब भारत माँ के गीत गाएं। ठीक है बच्चों? अब इसकी सेकंड लाइन क्या है? उत्तर में गिरिराज हिमालय, ऊंचा शीश हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे गिरिराज का मतलब क्या होता है? गिरिराज का मतलब होता है पर्वतों का राजा। पर्वतों का राजा किसे कहा गया है? हिमालय पर्वत। हमारे देश में उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है, जो बहुत ही सबसे ऊंचा है ना, जिसको हमारा शीश भी कहा गया है। हिमालय पर्वत हमारे देश की रक्षा एक दीवार की तरह करता है। ठीक है, तो ऐसे ही इस पंक्ति में कहा गया है कि उत्तर में गिरिराज हिमालय, ऊंचा शीश हमारा है, मतलब उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमालय है, जिसके कारण हमारा जो शीश है वो सबसे ऊंचा है। अब नेक्स्ट लाइन क्या है? दक्षिण में धोती चरणों को नीली जलनिधि धारा है। तो यहाँ पे जलनिधि का क्या मतलब है? जलनिधि का मतलब है समुद्र। ठीक है, तो हिमालय हमारे भारत देश का शीश हो गया, तो दक्षिण में क्या हो गया? उसके चरण। ठीक है, तो आप लोग को तो पता है कि हमारा देश जो है वो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो भारत देश के चरणों को कौन धोता है? समुद्र की नीली धारा, है ना। तो वही इस पंक्ति में कहा गया है कि दक्षिण से धोती चरणों को नीली जलनिधि धारा है। दक्षिण दिशा में भारत माँ के चरणों को समुद्र की नीली धारा धोती है। ठीक है, अब इसकी नेक्स्ट लाइन पढ़ेंगे। पूर्व में अरुणाचल प्यारा, पश्चिम में सतलुज झेलम। सतलुज झेलम क्या है बच्चों? नदियां हैं, है ना। हमारे देश में आपको पता है कि हमारे देश में अनेक निर्मल नदियां और झरने बहते हैं, जिससे भारत में खेतों की सिंचाई होती है ना, जिसके कारण हमारे देश की भूमि कैसी है? हरी भरी है ना। तो इसमें वही बताया गया है। तो पूरब में अरुणाचल प्यारा, यानी कि पूरब दिशा में अरुणाचल प्रदेश है, जो एक बहुत ही प्यारा प्रदेश है। और पश्चिम में क्या है? सतलुज और झेलम जैसी नदियां हैं, निर्मल नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या है? विंद सतपुड़ा शोभाशाली, गंग यमुन शोभा संगम। ठीक है, अब शोभाशाली का यहाँ पे क्या मतलब होता है? शोभाशाली का मतलब है सुंदर, और संगम का मतलब मिलन। ठीक है, जहाँ पर दो नदियों के मिलने का स्थान, जहाँ पर दो नदियां जिस स्थान पर मिलती हैं, उस स्थान को क्या कहा जाता है? संगम। तो इस पंक्ति में क्या कहा गया है कि भारत के मध्य भाग में विंध और सतपुड़ा जैसी सुंदर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, और गंगा और यमुना जैसी सुंदर नदियों का संगम भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट लाइन जो है, राम कृष्ण और बुद्ध सरीखे, अवतारों का देश यही। सरीखे का मीनिंग यहाँ पे मतलब क्या होता है? यहाँ पे जैसे, है ना। तो यहाँ पे अवतार लिया है किसने? राम कृष्ण, भगवान राम, श्री कृष्ण और बुद्ध ने, है ना। तो ये उनके अवतारों की धरती है। ठीक है, यह अशोक अकबर की धरती, यह राणा की पुण्यमय। और यहाँ पे हमारे देश में सम्राट अशोक, अकबर और महाराणा ने भी इस धरती पर जन्म लिया है। ये हमारा भारत देश इन महान लोगों की पवित्र धरती है। पुण्य यानी पवित्र और मही यानी धरती, इन लोगों की, महान लोगों के जन्म की पुण्य पवित्र धरती है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन हम पढ़ेंगे। भाषा भिन्न भिन्न पहनावे, फैले धर्म यहाँ कितने। अब आपको तो पता है हमारे भारत देश की एक प्रमुख विशेषता क्या है?
अनेकता में एकता, मतलब हमारे देश में अनेक धर्म जाति के लोग रहते हैं, है ना, सभी अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोलते हैं, फिर भी हमारा देश एक है ना। यही इसमें भी कहा गया है कि हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, भिन्न भिन्न तरह के पहनावे हैं, और जाने कितने धर्म यहाँ पर फैले हुए हैं, जाने कितने ही धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर सौ सौ भेद विविधताएं हैं, फिर भी हम सब एक बने, मतलब अनेकताएं हैं, फिर भी हमारा भारत देश क्या है, एक है, और हम सबको मिलकर एक बनना है। ठीक है, तो आओ एक दूसरे से हम फिर मीठी पहचान करें, उठो राष्ट्र निर्माण करें, हम जनने का जयगान करें। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आओ हम सभी एक दूसरे से फिर से अच्छा व्यवहार करके एक अच्छी और मीठी पहचान बनाएं, और उठो हम सब मिलकर राष्ट्र का निर्माण करें और अपनी भारत माता का जयगान करें, उसका गुणगान करें, और ऐसे कर्म करें जिससे हमारे भारत देश की शान बढ़े। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारी कविता समाप्त होती है, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो कठिन शब्द मैंने उस पर अंडरलाइन किया हुआ है वो आपको पढ़ना है और याद करना है। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसके शब्द अर्थ पढ़ते हैं। पहला क्या है, पहला शब्द क्या है, राष्ट्र। राष्ट्र का अर्थ क्या होता है, देश। ठीक है, जननी का माँ, भारत माता। जल निधि का अर्थ क्या होता है, समुद्र। संगम का अर्थ मिलन, दो नदियों के मिलने का स्थान। पुण्य, पुण्य का अर्थ क्या होता है, पवित्र। निर्माण करना, बनाना। गिरिराज, पर्वतों का राजा। शोभाशाली का अर्थ होता है सुंदर। सरीखे का अर्थ होता है जैसे, और मही का अर्थ होता है धरती। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे शब्द अर्थ, ये सभी सारे शब्द अर्थ आपको कॉपी में, अपनी फेयर कॉपी में लिखना है। इसके बाद हम सेकेंड एक्सरसाइज पे आते हैं। पहले हम इसकी एक्सरसाइज सारी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो इसकी पहली एक्सरसाइज क्या है कि कविता की पंक्ति पूरी कीजिए। जैसे आपको ना अपनी कविता से देख के ये सारे खाली स्थान आपको पोयम कविता पूरी इसमें भरनी है, जैसे जिस तरह से मैंने भरी हुई है ना बच्चों। ये आपको सिर्फ किताब में ही, आपकी बुक में ही फिल करना है। उत्तर में गिरिराज हिमालय ऊंचा शीश हमारा है, दक्षिण में धोती चरणों को नीली जलनिधि धारा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, भाषा। भाषा भिन्न भिन्न पहनावे फैले धर्म यहाँ कितने, सौ सौ भेद विविधताएं हैं, फिर भी हम सब एक बने। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, इसमें जो प्रश्न उत्तर दिए हैं वो अपन एक्सरसाइज के बाद पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है इसकी कि विलोम शब्द के जोड़े बनाइए, है ना। विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड्स होता है ना, तो पूरब का विलोम शब्द क्या होगा, पश्चिम। देश का विलोम शब्द, विदेश। धरती का आकार, और धर्म का अधर्म होता है। ठीक है, इसी तरह हम इस साइड भी देखेंगे कि उत्तर का विलोम क्या होता है, दक्षिण, है ना। निर्माण का क्या होता है, ध्वंस। निर्माण यानी बनाना, ध्वंस यानी नष्ट करना। ठीक है, मीठी का अर्थ, मीठी का विलोम शब्द क्या होता है, खट्टी, और भेद का अभेद। ठीक है बच्चों, अब हम इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। दिए गए चिन्हों वाले तीन तीन शब्द लिखिए। ठीक है, इसमें रा शब्द दिया है और उसकी तीन अलग अलग मात्राएं दी हुई है, उसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे आपको तीन तीन शब्द इसके लिखना है। तो पहला दिया है, पहला उदाहरण क्या दिया है, राम। तो इससे हमने तीन शब्द क्या बनाए हैं, राजा, राकेश और राह। ठीक है, उसके बाद रा की मात्रा, है ना। एग्जाम्पल दिया है धर्म, तो इसके तीन शब्द कौन से बनेंगे, कर्म, मर्म और आशीर्वाद। उसके बाद थर्ड क्या है बच्चों, थर्ड वाले में दिया है एग्जाम्पल राष्ट्र, तो उसका क्या, इसके क्या उदाहरण लिखेंगे अपन, मेट्रो, ड्रम और ट्रक। ठीक है, उसके बाद चौथी रा की मात्रा का उदाहरण क्या दिया है, प्रणाम। ठीक है, तो आप अपन लिखेंगे इसमें प्रयोग, क्रम और प्राण। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया, ऐसे इसी तरह से आपको अपनी बुक में फिल करना है। इसके बाद हमको पढ़ना है समानार्थक शब्द। ठीक है, समानार्थक यानी कि उसी के समान वाले शब्द। ठीक है, तो इसमें पहला शब्द क्या है, राष्ट्र। राष्ट्र को और क्या कहते हैं, वतन। जननी का अर्थ माता, पुण्य का पवित्र, मही का धरती, जल निधि का अर्थ का समान अर्थ समुद्र, और संगम का मिलन। उसके बाद
नीचे एक और दी हुई है, ये बच्चों आपको खुद को करना है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि नीचे भारत की कुछ भाषाओं के नाम दिए गए हैं, पता लगाकर लिखिए कि ये भाषाएं किन राज्यों में बोली जाती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको लिखना है, बांग्ला भाषा कहाँ बोली जाती है, पश्चिम बंगाल में। गुजराती कहाँ बोली जाती है, गुजरात में। मलयालम भाषा कहाँ बोली जाती है, केरल में। उड़ीसा कहाँ बोली जाती है, उड़िया भाषा कहाँ बोली जाती है, उड़ीसा में। तेलुगु कहाँ बोली जाती है, आंध्र प्रदेश में। तमिल तमिलनाडु में। पंजाबी पंजाब में। और कश्मीरी कश्मीर में, ठीक है बच्चों। ठीक है, इतनी बुक, इतनी एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। अब आपको मैं क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर पढ़ा देती हूँ, ठीक है। हम ओरली पढ़ लेते हैं, ये सारे प्रश्न उत्तर हम आपको वेबसाइट, स्कूल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे, आप वहां से लेके और लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आपको पोयम की 10 लाइन लिखना, कविता की 10 लाइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद शब्दार्थ लिखना है, उसके बाद ये प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बुक की जितनी एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही फिल करनी है, ठीक है। तो इसका पहला क्वेश्चन कि इस कविता में कवि किसे उठने के लिए कह रहा है, तो इस कविता में कवि मनुष्य को उठने के लिए कह रहा है, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है, उत्तर में क्या स्थित है, तो उत्तर में हिमालय स्थित है, हिमालय पर्वत स्थित है। हमारे देश में थर्ड प्रश्न है, हमारे देश में कौन कौन से महापुरुषों ने जन्म लिया है, ठीक है। तो हमारे देश में राम कृष्ण अशोक अकबर और राणा जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हमारे देश में बहने वाली किन्हीं चार नदियों के नाम बताइए, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, हमारे देश में बहने वाली प्रमुख चार नदियां गंगा यमुना सतलुज और झेलम है। हमने कविता में पढ़ा ही है ना नदियों के नाम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कवि क्या कहने का आग्रह कर रहा करता है, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, कवि भारत के लोगों से उठकर राष्ट्र निर्माण करने का आग्रह कर रहा है, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि उठो हम अपने राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इस अब नेक्स्ट प्रश्न है, इस कविता में कवि ने हमारे देश की क्या क्या विशेषता बताई है, तो इस कविता में कवि ने बताया है कि हमारे देश में लोगों की अलग अलग भाषाएं हैं, धर्म और पहनावा है, फिर भी हमारा देश एक है। उत्तर में हिमालय जैसा पर्वत है ना, और सतलुज और झेलम जैसी नदियां हैं, और अनेक महापुरुषों ने हमारी हमारे देश की भूमि पर जन्म लिया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बच्चों थर्ड आंसर हम पढ़ेंगे, हमारे देश के लोगों में परस्पर क्या क्या मुख्य भेद है, जैसा कि आपको पता ही है कि हम में क्या क्या, हमारे धर्म अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, पहनावे अलग हैं, रहन सहन सभी अलग है, तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि हमारे देश में विभिन्न तरह के लोग हैं और सभी की भाषाएं धर्म और पहनावे में भेद है ना बच्चों। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, हम अपने देश के लोगों से मीठी पहचान कैसे कर सकते हैं, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, हम अपने देश के लोगों से मधुर व्यवहार रखकर एक मीठी पहचान बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके प्रश्न उत्तर खत्म हो जाएंगे। प्रश्न उत्तर के बाद आपको नेक्स्ट पेज पे श्रुतलेख लिखना है, श्रुतलेख यानी कि डिक्टेशन वर्ड्स। ये मैंने आपको 10 डिक्टेशन वर्ड्स लिख के दिए हुए हैं, ये आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला क्या है, जननी, गिरिराज, जलनिधि, बिंद, सतपुड़ा, शोभाशाली, संगम, सतलुज, हिमालय और निर्माण, ठीक है बच्चों। ये आपको 10 वर्ड्स। अब आपको कॉपी में क्या क्या लिखना है, कॉपी में आपको सबसे पहले अपने पाठ का नाम लिखेंगे, उसके बाद आप देखिए मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप अपने लेसन का नाम लिखेंगे, उसके बाद ही आपको ये ड्राइंग बनानी है। इस कविता की आपको 10 लाइन लिखनी है अपने कॉपी में, उसके बाद नेक्स्ट आपको शब्दार्थ लिखना है, ठीक है बच्चों। शब्दार्थ लिखेंगे, उसके बाद शब्दार्थ के बाद नेक्स्ट पेज पे आप प्रश्न उत्तर लिखेंगे, ठीक है। सारे प्रश्न उत्तर लिखने के बाद आप लास्ट में श्रुतलेख लिखेंगे, डिक्टेशन वर्ड्स लिखेंगे। यहाँ पर आप अपना लेसन ये समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।